हाई एवरीबडी असलम आई होप यू आल आर डूइंग ग्रेट वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अन अदर वीडियो सो आज आप लोगों को ये रास्ता देख के और मेरी वीडियो का टाइटल देख के पता चल गया होगा दर आई एम गोइंग टू लिबर्टी मार्केट और आज मैं आप लोगों को अपने साथ लेके जाऊंगी आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारे लिबर्टी शॉपिंग व्लॉग्स और शॉपिंग हॉल्स देखे होंगे लेकिन मेरा ये व्लाग बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि करेंटली इस वक्त लेटेस्ट लिबर्टी मार्केट में क्या, क्या कलेक्शन आई हुई है शूज़ की कपड़ों की और आप लोग वहाँ से अपने समर शॉपिंग के लिए क्या ले सकते हैं या अगर ईद के लिए आप लोग कोई अफोर्डेबल ऑप्शन ढूंढ रहे हैं आप लोग अच्छे ट्रेंडी कपड़े और शूज़ पहनना चाह रहे हैं लेकिन अफोर्डेबल प्राइस में तो भी आप लोग लिबर्टी मार्केट को विजिट कर सकते हैं सो so, आज मैं आप लोगों को सारी लेटेस्ट कलेक्शन वहाँ की दिखाऊँगी ज्वेलरी की शूज़ की तो आप लोगों ने ब्लॉग को पूरा देखना है एंड तक और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कर दीजिएगा सो यहाँ पर जो है वो मैं लिबर्टी मार्केट पहुँच गई थी और लिबर्टी मार्केट में यहाँ पे अभी हम लोगों को कार वग़ैरह पार्क करनी है यहाँ पे हम पार्किंग की टिकट वगैरह ले रहे थे अच्छा एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि लिबर्टी में आप लोगों को ब्रांड्स के आउटलेट्स भी मिलते हैं जिस तरह खाडी के आउटलेट है जेलबरी के आउटलेट है हमारा अभी की आउटलेट है डुबटा गली वाली साइड पर इसके अलावा शूज़ में भी आपको बार्टा इंडियो और मेट्रो वगैरह मिल जाता है लेकिन मैं आज आप लोगों को ब्रांड की कोई भी शॉप जो विजिट नहीं करवाने वाली मैं आप लोगों के साथ सिर्फ जो अफोर्डेबल ऑप्शन हैं वो शेयर करूँगी सो आज यहाँ पर हम लोग ब्रांड की किसी शॉप पर नहीं जा रहे अच्छा सबसे पहले बात कर लेते हैं शू कलेक्शन के बारे में कि लिबर्टी में इस दफ़ा किस तरह के शूज़ आए हैं सो समर सीज़न है तो आपको लिबर्टी में फ़्लैट्स की जो है वो बहुत अच्छी और बहुत वाइड वैरायटी जो है वो इस दफ़ा मिलेगी और यहाँ पर आपको हर तरह के फ़्लैट्स मिलेंगे प्लेन फ्लैट्स स्टार्स वाले स्टोन्स वाले इसके अलावा जो ब्लिंगी फ्लैट्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं हर दूसरी शॉप पर आपको ब्लिंगी फ्लैट्स मिल रहे हैं और सबसे मज़े की बात कि जो एक्जैक्ट डिज़ाइन ब्रांड्स पर अवेलेबल हैं वही इन्होंने आम शॉप्स पर भी रखे हैं और बहुत अफोर्डेबल प्राइसिस में इसके अलावा इस दफ़ा फ्लैट्स में कलर बहुत प्यारे आए हैं पहले डार्क डार्क कलर्स होते थे जैसे आप लोग इस शॉप पर भी देख सकते हैं ये लिबर्टी में फर्स्ट शॉप है शजान बेकरी का जो बिल्कुल साथ है वो वाली शॉप है ये और इनके पास भी फ्लैट्स में बहुत अच्छे ऑप्शन है और blingy फ्लैट्स में तो बहुत ही प्यारे प्यारे शूज हैं और कलर्स बहुत प्यारे इस दफ़ा आए हैं बहुत प्यारे पेस्टल से कलर्स हैं वो डार्क और डल कलर्स नहीं है सिर्फ और एक बात ये कि ये जो फ़्लैट्स होते थे ना पहले इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी लेकिन इस दफ़ा जो फ़्लैट्स आए हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ इतना सॉफ्ट और कंफर्टेबल जूता है ये कि मैं आपको बता नहीं सकती अगर प्राइस रेंज की बात करें तो इन तमाम फ्लैट्स की जो प्राइस है वो तो तकरीबन ट्वेल्व से स्टार्ट होकर ट्वेंटी तक है और काफ़ी अफोर्डेबल हैं ये आप बार्गेन करके अपने हिसाब से प्राइस कम भी करवा सकते हैं इसके अलावा लिबर्टी में जो है वो ख़ुस्से की बहुत अच्छी वेराइटी और बहुत ज़्यादा वेराइटी होती है ये सब लोगों को पता है जो लिबर्टी मार्केट आते हैं आपको यहाँ पर जो है वो बहुत ट्रेडिशनल और जो कलरफुल पहनते हैं वो भी मिलते हैं इसके अलावा इस सफ़र यहाँ पे डैनिम खुस्सा जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुए हैं वो भी मिल रहे हैं और इसकी प्राइस 1650 ये लोग कह रहे हैं लेकिन आप बार्गेन करके कम भी कर सकते हैं इसके अलावा आपके पास जो खुस्सा में फॉर्मल तक है वो इसके बाद मैं इस शॉप पर आई थी और इस शॉप में इनके पास बहुत अच्छी और वाइड वैरायटी थी फ़्लैट्स की पम्प्स की सैंडल्स की और इसके अलावा इनके पास ब्लिंगी फ्लैट्स और ब्लिंगी हील्स भी थी और एक बात इन्होंने मुझे बताई जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आप लोगों को ब्रांड पे कोई शूज़ कोई जूता कोई फ़्लैट पसंद आता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो आप उनको दिखा सकते हैं ला और ये आपको एक्जेक्ट वही जूता तैयार करके देंगे हाफ़ प्राइस में सो ये बहुत अच्छी बात थी मैं आगे इनका कार्ड शेयर करूँगी आप लोगों के साथ आप लोग देख लीजिएगा फिलहाल आप लोगों को मैं कोलापुरी की कलेक्शन दिखा रही हूँ इनकी शॉप पर लिबर्टी में कोलापुरी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है सो so, इनकी शॉप पे भी बहुत अच्छी वैरायटी थी कोलापुरी की और प्राइस भी अच्छी थी सो so, यहाँ पर मैं आप लोगों साथ कार्ड शेयर कर रही हूँ इनका इनकी शॉप का नेम है स्टाइल मैट्स और यहाँ पर जो है वो सॉरी स्टाइल मेट्स यहाँ पर इनका नंबर और इनका इन, जो है फेसबुक का लिंक और एड्रेस लिखा हुआ है सो so, आप लोग इनको विजिट कर सकते हैं और यहाँ से आके शूज़ ले भी सकते हैं और अपनी पसंद का शूज़ या जूता जो भी है वो तैयार भी करवा सकते हैं इसके बाद बात करते हैं कपड़ों की और इस दफ़ा मैं हैरान रह गई हूँ कि लिबर्टी में इतने ज़्यादा अफोर्डेबल कपड़े आए हैं ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सारे अरेबिक लॉन में हैं और ये 1500 में दो ड्रेसेस वो लोग दे रहे हैं दो लेकिन वो ड्रेसिज यानी कि दो टू पीस सेट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी ये लेना क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है ये जो अरेबिक लॉन वाले ना ये एक दफ़ा आप इनको वॉश कर लेते तो ये फारग हो जाते हैं बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी नहीं है डिज़ाइन बहुत अच्छे थे लेकिन क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है इसके बजाय मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि जो लॉन है ना आप लोग लॉन जो जो प्योर लॉन होती है उसके ड्रेसेस खरीद लें ये फिफ्टीन हंड्रेड में आपको एक मिल रहा है डिपेंड्स ऑन डिज़ाइनिंग अगर डिजाइनिंग कम है तो आपको थर्टीन हंड्रेड में भी दे रहे हैं अगर डिजाइनिंग ज़्यादा है और के पैचेज़ वगैरह लगे हुए हैं लेसेस हैं ज़्यादा तो वो फिर आपको फिफ्टी हंड्रेड में मिलेगा ये जिस तरह ये वाला ड्रेस है ये आपको फिफ्टीन हंड्रेड में दे रहे थे वहाँ पर और ये भी टू पीस सेट है ट्राउजर है साथ शर्ट है ये फ्रॉक स्टाइल में शर्ट है इसके अलावा आप लोगों को जो है वो स्ट्रेट शर्ट्स भी मिल जाती हैं जिस तरह से ये है ये आपको थर्टीन हंड्रेड में मिल रहा है ये लोग कह रहे थे कि ये टर्कश लॉन है लेकिन ये मैंने हाथ लगा के देखा है बहुत प्रीमियम क्वालिटी लॉन नहीं है लेकिन प्योर लॉन है सो ये वॉश होने के बाद बिल्कुल एकदम से फारिग नहीं हो जाएगा इसका मटेरियल ये लॉन ही रहेगी इसके अलावा यहाँ पर ये जो चिकन के ड्रेसेस हैं टू पीस ये भी आपको मिलेंगे पूरा फुली इंप्रॉइडेड है इसकी शर्ट भी और ट्राउज़र भी और इसकी जो प्राइस है वो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ है बार्गेन कर लें तो शायद कम भी हो जाए ट्वेंटी फाइव हंड्रेड से ऊपर ही थी वैसे सारी जगहों पर सो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ईद के लिए खास तौर पर मैं आप लोगों को कहूँगी इसके अलावा यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं वही टू पीस ड्रेसेस हैं इनको लेसेस भी लगी हुई हैं मैं सिर्फ हैरान हूँ कि इसमें कपड़ा भी है स्टिचिंग भी है लेसिस भी लगी हुई और सिर्फ 1500 में या 1300 में आपको ये मिल रहा है सो so, अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग हो या ऑफिस गोइंग हो आपको रोज़ कपड़े चेंज करने हैं तो मेरा ख्याल है ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और फिर लॉन में है ये अरेबिक लॉन नहीं है प्योर लॉन है इसके अलावा यहाँ पर ये फ़्रॉक स्टाइल में शर्ट्स थी डिफरेंट तरह की और ये आपको 800 से 1000 तक मिल रही थी इसके अलावा अरेबिक लॉन में अगर आप लोग लेते हो तो वो आपको 100 में सॉरी थाउजेंड रुपीज़ में तीन शर्ट्स मिल रही थी लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये प्योर लॉन पर ही है और इसकी प्राइस जो है वो पूरे लिबर्टी में अंडर थाउजेंड रुपीज़ ही है इसके बाद आप लिबर्टी आए और आप कुछ खाएं ना ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लिबर्टी के जो फ्राइज़ का टेस्ट है वो सिर्फ लिबर्टी में मिलता और कहीं नहीं मिलता इसके अलावा यहाँ पे शारमास बर्गर्स इसके अलावा चाट दही भल्ले चना चाट और गोल गप्पे इस तरह की चीज़ें समोसे ये सब कुछ आपको लिबर्टी में आसानी से मिल जाता है हम यहाँ पर जो है वो फ्राइज़ खा रहे थे क्योंकि मुझे बस हल्का सा स्नैक करना था तो हमने यहाँ पर फ़्राइज़ लिए थे और इसके साथ कैचअप म्योनीस और बहुत अच्छी एक ग्रीन सी चटनी भी थी और बहुत मज़ा आया था मुझे ये खा के और यहाँ पे बैठ के हम लोग अपने फ्राइज इन्जॉय कर रहे थे और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर लिबर्टी का जो है वो व्यू इन्जॉय कर रहे थे अच्छा वैसे जो लिबर्टी का व्यू है ना जो लिबर्टी जाके आपको एक मज़ा आता है खास तौर पर जो लाहौरी लोग हैं उनको मज़ा आता है वो मेरा ख़्याल है किसी और बाजार में किसी और मॉल में कहीं पर आपको नहीं आता जो लिबर्टी की एक वाइब है ना वो सिर्फ लिबर्टी में ही है और बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे तो आ, मतलब आई फील वेरी फ्रेश जब भी मैं लिबर्टी जाती हूँ और मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छे कपड़े भी मिल जाते हैं काफ़ी अच्छे शूज़ भी मिल जाते हैं खैर यहाँ पर आगे हम चल पड़े थे और यहाँ पर जो है वो आ, जो फॉर्मल सेमी फॉर्मल आप इनको कह सकते हैं सेमी फॉर्मल शर्ट्स जो थी वो भी यहाँ पर अवेलेबल थी पूरे पूरे ड्रेसिज़ भी अवेलेबल थे ईद के लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आप लोग यहाँ से ले सकते हैं इसके अलावा पीछे मैं दुबटा गली वाली साइड पर आ गई थी तो यहाँ पर आपको अनस्टिच और स्टिच जो है वो फॉर्मल कपड़े जो शादियों वाले कपड़े होते हैं उनकी बहुत अच्छी वेराइटी जो है वो मिल जाएगी मैक्सीज लहंगे इसके अलावा आपको अनस्टिच शर्ट्स और अनस्टिच सूट्स भी मिल जाएंगे इसके अलावा आपको सिंपल प्लेन टू पीस सूट्स जो होते हैं सॉरी प्रिंटेड सूट्स लॉन् के वो भी मिल जाएंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लहंगे जो हैं वो उन्होंने हैंग किए हुए हैं इसके अलावा ये पीछे दुपट्टा गली वाली साइड पर ही बहुत अच्छी ये जो वेस्टर्न शर्ट्स होती हैं इनकी शिफून और सिल्क में काफ़ी अच्छी वरायटी थी आप लोग देख सकते हैं मुझे काफ़ी अच्छी ये शर्ट्स लग रही थी और इनकी जो प्राइस थी वो 1200 से 1500 के दरमियान थी एक शर्ट की प्राइस और आप लोग देख सकते हैं कि शर्ट्स में काफ़ी अच्छे डिज़ाइन हैं और मटेरियल जो है वो इनका स्टफ़ जो है वो सिल्क है या फिर जॉर्जर्ट या शिफून है इसके अलावा यहाँ पर आपको अनस्टिच जो है वो चिकनकारी के टू पीस सूट्स मिल रहे हैं और इनकी जो प्राइस रेंज है वो डिपेंड करता है कि आप लोग टू पीस ले रहे हो या थ्री पीस ले रहे हो थ्री पीस जो है वो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड से अबव है टू पीस ले रहे हो तो वो आपको एटीन हंड्रेड से ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तक मिल जाता है डिपेंड्स कि कितनी जो है वो उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसके अलावा ये पीछे दुबट्टा गली वाली साइड पर मैं आपको फिर से वो शूज़ दिखा रही हूँ जूते चप्पलें और यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी अच्छी वराइटी थी थोड़ी थी लेकिन अच्छी वराइटी थी ब्लिंगी फ्लैट्स भी थे लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ की प्राइस रेंज जो है वो ज़्यादा थी जो फ्रंट पे शॉप्स हैं उनकी प्राइस कम थी पता नहीं दुबटा गली में इतने रेट्स जो हैं वो ज़्यादा क्यों होते हैं लेकिन वैरायटी वही थी जो आगे थी लेकिन उनके रेट कम थे इनके रेट जो हैं वो ज़्यादा थे इसके अलावा अब यहाँ पर मैं जा रही हूँ जरीना मॉल में जरीना मॉल में जो है वो मिस रोज़ जो ब्रांड है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाइबड है बहुत अफोर्डेबल है उनकी जो है वो पहली आउटलेट जो है वो उन्होंने ओपन की है काफ़ी देर हो गई है लेकिन मैं पहले भी एक बार गई थी पहले इनकी आउटलेट छोटी थी अब इन्होंने जो है वो आउटलेट को अपनी मज़ीद जो है वो बढ़ा लिया है सो आज मैं इनकी आउटलेट पर जा रही हूँ और मैं अंदर से आप लोगों को दिखाती हूँ ये देखें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी मुकम्मल जो रेंज है जो आपको इंस्टाग्राम पेजेस पे और फेसबुक पेजेस पे पर पे इनकी वेबसाइट पे मिलती है वो सारी यहाँ पर भी मिल रही है इनकी फाउंडेशन हैं इनके मैट लॉजिज़ हैं इनकी कॉन्ट्रो वाली आपको किट्स मिल रही है। इसके है। इसके हैं, हैं इसके अलावा नेल्स की काफ़ी अच्छी वैरायटी है इसके अलावा यहाँ पे ब्लश ऑन पैलेट्स हैं आईब्रो पैलेट्स हैं इसके अलावा लिपस्टिक्स और मैट लॉजिज़ वग़ैरह आपको कंसीलर की तमाम वैरायटी जितने भी अवेलेबल ऑनलाइन वो सब इसके अलावा फाउंडेशन की सारी वैरायटी है यहाँ पर इसके अलावा आपको मतलब मेकअप रेंज में इनकी जो कुछ भी था वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है और रेट्स भी वही हैं जो कि आपको ऑनलाइन मिलते हैं बल्कि समटाइम्स इनकी आउटलेट पे जो है वो सेल लगी होती है तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे रेट्स में मिल जाता है जो है वो चीज़ें और इसके अलावा आपको लिबर्टी में ज्वलरी की बहुत अच्छी कलेक्शन मिलती है जो फॉर्मल वाली ज्लरी होती है बिल्कुल ट्रेडिशनल सी वो बहुत अच्छी दुबटा गली वाली साइड पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी वहाँ पर आप जाएँ ज्लरी के लिए तो बहुत अच्छी ज्लरी मिलेगी आपको इसके अलावा बैग्स की भी अच्छी कलेक्शन होती है बैग्स की शॉप्स कम हैं लेकिन जो शॉप्स हैं वहाँ पर अच्छे जो हैं वो रीज़नेबल प्राइस में जो हैं वो बैग्स मिल जाते हैं आपको खैर मैंने जो कुछ लेना था वो मैंने ले लिया ये आपको सामने यू की ब्रांच भी नजर आ रही है अगर आपका यू में अकाउंट है तो आप यहाँ से ए से आसानी से पैसे विद्रॉ करके भी शॉपिंग कर सकते हैं इट्स नॉट पेड बाय यू बी एल मैं वैसी बात कर रही हूँ इसके अलावा ये देखें आपको यहाँ पे सिलीम फैब्रिक्स की शॉप नज़र आ रही है इनके पास बहुत अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी के कपड़े होते हैं अनस्टिच आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं और खैर यहाँ पर मैं फ़ारिग हो गई थी मैंने जो कुछ लेना था जो शूज़ लेने थे जो कपड़े लेने थे वो मैंने ले लिए मैं दराज शॉपिंग हॉल सॉरी दराज नो लिबर्टी शॉपिंग हॉल की एक वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं आप लोगों को दिखा दूंगी खैर अभी हम यहाँ से बिल्कुल जा रहे हैं और आज मैंने अपनी जो है ना फर्स्ट टाइम अपनी बेटी के साथ शॉपिंग की है सो बच्चे को साथ लेके शॉपिंग करना इज अ टास्क मतलब कि अच्छा खासा मुश्किल काम है लेकिन मैंने कर लिया शुक्र मेरी बेटी इतना सताती नहीं है तो मेरा आसानी से काम हो गया खैर यहां पर हम लिबर्टी से निकल आए और हम वापस जा रहे हैं हो सकता है रास्ते में से कुछ खाएं और उसके बाद फिर घर चले जाएंगे और इनशाला नेक्स्ट टाइम भी मैं आप लोगों के लिए अच्छी सी कोई वीडियो लेकर आऊँगी और जो मैंने यहाँ से शॉपिंग की है वो भी मैं आप लोगों को किसी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या लिया था और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव थी और हेल्पफुल थी अगर आपको लिबर्टी में किसी भी जो मैंने आपको दिखाई है शॉप्स उनके बारे में कुछ पूछना है या कुछ उनकी लोकेशन के बारे में पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा मैं आपको बता दूंगी आई वुड रिकमेंड कि इस दफा आप लोग अपनी ईद की शॉपिंग या समर सीजन की शॉपिंग के लिए यहाँ पे जरूर आए खास पर जूतों के लिए जो चप्पल हैं वो आप जरूर लें मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप मेट्रो स्टाइल हो या फिर इन सिग्निया से जाकर व्लिंग फ्लैट्स लें बल्कि लिबर्टी से आके हाफ प्राइस में और उतने ही कंफर्टेबल शूज़ लेके जाए आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा इन नेक्स्ट टाइम भी अच्छी सी वीडियो के साथ आऊंगी i Hafiz